आप सभी को धन्यवाद सबसे पहले तो। और कोराडी एक काफ़ी जल्दी विकसित होने वाला क्षेत्र में से एक है और करीब नागपुर से 9 किलोमीटर के दायरे में है। और इसके जो फिगर्स अभी हमारे पास आए हैं, ये बहुत ज़्यादा परिवार यहाँ पे आने वाले दिनों में अपेक्षित है। और अभी का ही ये जो जियोग्राफिकल इसका हम लोग परिस्थिति देखते हैं तो यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे गांव के साथ साथ, जैसे अभी मैं सावनेर है, पाटन सावंगी है, कोराडी में अपने आप में काफ़ी जनसंख्या है। आप यहाँ पे MSEB का पावर स्टेशन है तो पावर स्टेशन के काफ़ी इंजीनियर्स यहाँ पे हैं, तो बहुत सारे। और वैसे भी रोकड़ ज्वेलर्स के पास पहले से इस क्षेत्र से ग्राहक थे ही, तो इस वजह से हमारे पास ऑलरेडी यह हमारे दिमाग में था कि यहाँ एक शोरूम होना चाहिए। बट माँ जगदम्बा का आशीर्वाद था कि हमें मंदिर का कार्य करने का मौका मिला। और वहाँ जब हम काम कर रहे थे मंदिर में गाभारे का और अलग अलग तरीके से जो हमने चांदी का, सोने का यहाँ काम किया, तब यहाँ के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उनका एक डिमांड थी कि एक शोरूम यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी शोरूम है यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था उनको। इस वजह से हमने अभी सिटी से अपना दायरा बढ़ाते हुए रूरल एरिया की तरफ अपने अभी शुरुआत की है। तो ये एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में और ये शुरुआत और नए मुकाम पर जाएगी। देखिए, परिवर्तन संसार का अभी नियम है और अभी परिस्थितियां बदलती गई है। अब छोटा या बड़ा ऐसा कुछ रहा नहीं है। जब से हॉलमार्क मैंडेटरी हो गया है, छोटे से छोटा शोरूम हो या बड़े से बड़ा शोरूम है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को मानना बेहद ज़रूरी हो गया है। और रोकड़ी ज्वेलर्स अपने आप में एक फैमिली ज्वेलर्स है और फैमिली ज्वेलर्स ने एक सफ़र शुरू किया है 100 स्क्वायर फीट दायरे से अपना शोरूम, और आज 12,000 फुट और 20,000 फुट तक के हम लोग अपने आप को बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये शोरूम जो 2,000 स्क्वायर फीट का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शोरूम बनने जा रहा है। तो एक यहाँ पे मैं जितना देखता हूँ, भारत में युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा है। आज मैं देखता हूँ 40 से कम उम्र के लोग करीब करीब 60% से ज़्यादा लोग हैं। तो उनका ऑलवेज़ एक ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस, जहाँ क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, सर्विस हो, ऐसी तीनों चीज़ उन्हें जहाँ मिले ऐसी जगह में वो लेना पसंद करते हैं। और जैसे कि हमारा पहले का इतिहास रहा है, यहाँ के लोग पहले से हम पे ट्रस्ट रखते हैं और उनका जो विश्वास होने के कारण हम लोग ने अपने आप को फिर यहाँ पे एक यहाँ का सर्वे किया। और सर्वे में हमें लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और ऑलरेडी नॉर्थ स्टार एक यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, जहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं। बाजू में हमारे यहाँ हल्दीराम एक बड़ा ब्रांड आज नागपुर का पूरे दुनिया में है, तो उस ब्रांड के बाजू में एक अपना शॉप होना तो बेहद ज़रूरी लगा हमें। इस वजह से यहाँ खोला हमने शोरूम। और मुझे मतलब 1% शंका कुशंका नहीं है कि यहाँ शोरूम में किसी प्रकार का हमें चैलेंज रहेगा। बहुत अच्छी ग्राहकी रहने की पूरी संभावना। ये ओपनिंग 13 तारीख को है, 13 जनवरी 2024 को, और ये 2 दिन की ओपनिंग है, 13 और 14 जनवरी। ये एक विशेष मुहूर्त है, संक्रांत के एक दिन पहले, 2 दिन पहले का मुहूर्त है। और इस दिन हमारे लाडले खासदार आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी, उनके हाथों से हमने इसकी उद्घाटन की विनती की है। और टाइम का समय शायद कल तक हमें कंफर्म करने वाले हैं। और साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, वे भी भूतपूर्व मंत्री है, वो भी साथ में रहेंगे और दोनों के हाथ से हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ में इस क्षेत्र के खास आमदार जो है टेकचंद जी सावरकर, वो भी इसमें रहेंगे। बिल्कुल काफ़ी लाभदायक भी रहेगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी ये 5th जनरेशन, जैसे मेरे बेटे ने यहाँ भी स्टार्ट किया, जैसे हम लोग सारंग और मैं, हम लोग 4th जनरेशन अपने आप को कहते हैं, उसके बाद 5th जनरेशन ने इस बिज़नेस को 3 महीने पहले ज्वाइन किया। और रेयर के बाद हमने एक और नया शोरूम, तो हम भी काफ़ी उत्साहित है 5th जनरेशन के साथ 5th शोरूम के लिए, और 6th की तैयारी हम लोग कर भी रहे। और रही बात आपने अभी कहा राम जन्मभूमि के साथ मंदिर जहाँ बन रहा है, वो एक 22 तारीख के लिए, तो सही में हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा समय, ऐसी दिवाली, ऐसा जो रामराज आते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं सभी को बधाई देता हूं। और मैं इतने सुनहरे अवसर के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं।